जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह MNS न्यूज नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपस में भिड़े मणिपुर के छात्र, पुलिस ने बताया नियंत्रण में है स्थिति। मणिपुर में ST दर्जे की मांग को लेकर बढ़ती हिंसा की लपटे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस तक पहुंच गई, जहां मणिपुर के छात्रों ने अपने ही राज्य के कुछ छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित छात्रों ने मुखर्जी नगर थाने के सामने जमकर नारेबाजी की। दरअसल शुक्रवार शाम को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के आसपास रहने वाले मणिपुर के कुछ छात्रों ने अपने ही राज्य के कुछ छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया। इस मारपीट में कई छात्र घायल भी बताए जा रहे। वही पीड़ित छात्रों ने पुलिस से मामला दर्ज कर कार्यवाही करने की गुहार लगाई। पीड़ित छात्रों का कहना है कि वो एक प्रार्थना सभा के वापस आ रहे थे, उसी दौरान छात्रों के दूसरे ग्रुप ने उनके साथ बदसलूकी कर मारपीट कर शुरू कर दी। पीड़ित छात्रों ने मुखर्जी नगर थाने के सामने प्रदर्शन कर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की, साथ ही खुद की जान को खतरा बताया। वही पुलिस मामले की जांच कर कार्यवाही की बात कर रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया है। वही मणिपुर के हालात काफी नाजुक बने हुए, साथ ही वहाँ धारा 144 लागू है, जबकि वहाँ पर हिंसा के बाद मरने वालों की संख्या 52 तक पहुँच गई है। हिंसा इस कदर बढ़ती जा रही है कि सरकार को वहाँ शूट एट साइट का आदेश देना पड़ा। मणिपुर में हिंसा भड़कने का कारण, दरअसल मणिपुर की आबादी में 53% हिस्से वाले गैर आदिवासी मेईती समुदाय की मांग है कि उनके समुदाय को अनुसूचित जनजाति ST का दर्ज किया जाए, जिसको खिलाफ नगा और कुकी आदिवासियों द्वारा आदिवासी जुटा मार्च का आयोजन किया गया। 3 मई को हिंसा भड़क गई, इसके बाद से मणिपुर में काफी गंभीर हालात बने हुए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सोलापुर अक्कलकोट रोड MIDC इलाके में एक तौलिया कंपनी में भीषण आग लग गई। अक्कलकोट रोड MIDC इलाके में कलाट्रिक्स टॉवर कंपनी में आग लग गई। तमलकर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे, बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना है। MIDC क्षेत्र में नियमित रूप से इस तरह की आग लगने की घटनाएं होने से संदेह व्यक्त किया जा रहा है। आग लगी में भारी आर्थिक नुकसान, जनहानि नहीं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। दोबारा वापस आऊंगा, महाराष्ट्र डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर लगाए जा रहे सियासी कयास। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर के एक मंदिर का दौरा करते हुए कहा कि मैं पुनः यहीं, यानी मैं वापस आऊंगा। उनके इस बयान के बाद से राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगाए जाने लगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं पुनः यहीं, मंदिर में एक बार दर्शन करने से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा और ये हर कोई जानता है कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। नरसिम्हा मेरे कुल देवता है, उन्हीं की तरह से कहीं से निकल सकता हूँ। बता दें कि डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस इन दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए दौरे पर थे, जहाँ से वापस लौटते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के निट्टू स्थित नरसिम्हा मंदिर में दर्शन किए। वही BJP के एक नेता का कहना है कि 16 बागी विधायकों के अयोग्य ठहराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ये बयान काफी महत्वपूर्ण है, जो एक नशिंदे सरकार के बागे का फैसला करेगा। साल 2019 में भी डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव प्रचार के दौरान इस नारे का इस्तेमाल किया था। हालांकि BJP पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। वही अविभाजित शिवसेना, जो BJP की गठबंधन सहयोगी थी, उसने भी कांग्रेस और NCP के साथ महाविकास आघाड़ी महागठबंधन का हाथ थाम लिया। लेकिन जून 2022 में शिवसेना में विभाजन के साथ ही उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsd.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।